वेल दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अक्षय कुमार की रिलेशनशिप के बारे में। आपको बता दें कि अक्षय कुमार ने कई सारी एक्ट्रेसेस को डेट किया है, लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा मशहूर इनका रिलेशनशिप हुआ रवीना टंडन और शिल्पा शेट्टी के साथ। आपको बता दें कि उन्होंने रवीना टंडन को पहले डेट किया था और फिर इनका दिल शिल्पा शेट्टी पर आ गया। फिर उसके बाद अक्षय कुमार ने रवीना का दिल तोड़कर शिल्पा का हाथ थाम लिया और शिल्पा के साथ वो इश्क लड़ाने लगे। आपको बता दें, रवीना टंडन के साथ अक्षय कुमार का लव अफेयर लंबे समय तक रहा था। दोनों ने कई फिल्मों में साथ भी काम किया। इन दोनों का रिश्ता फिल्म मोहरा के सेट पर शुरू हुआ था। रवीना टंडन अपने दौरान की बेहद ग्लैमरस एक्ट्रेस मानी जाती थी, लेकिन रवीना का दिल आया अक्षय कुमार पर आया था। एक समय में लोगों को ये तक यकीन हो गया था कि ये कपल शादी कर लेगा, लेकिन ऐसा ना हो सका। दोनों लंबे समय बाद हमेशा हमेशा के लिए अलग हो गए और उसके बाद रवीना टंडन का दिल तोड़कर अक्षय कुमार जो हैं शिल्पा शेट्टी के प्यार में गिरफ्त हो गए। जी हाँ, 90 के दशक में अक्षय और शिल्पा बॉलीवुड के हॉट कपल में से एक थे। शिल्पा शेट्टी ने इस बात को खुद स्वीकारी थी कि उन्होंने और अक्षय कुमार ने मगनिंग तक कर ली थी। जी हाँ, उन्होंने सगाई भी कर लिया था, लेकिन धोखा मिलने के बाद शिल्पा को अक्षय की शक्ल तक पसंद नहीं थी। जी हाँ, रिश्ते के टूटने की टीस शिल्पा में सबसे ज्यादा देखने को मिली। कई साल बाद जब शिल्पा और अक्षय का एक रियलिटी शो में सामना हुआ, तो एक्ट्रेस ने अपने बगल में बैठे अक्षय की तरफ एक बार भी नहीं देखा। दोनों अगल बगल बैठे रहे, लेकिन एक अनजाने की तरह। हालांकि शिल्पा शेट्टी से ब्रेकअप करने के बाद खिलाड़ी कुमार ने फाइनली ट्विंकल खन्ना से शादी कर ली। वेल, अक्षय कुमार की वर्क फ्रंट की बात करें तो आपको बता दें कि अक्षय कुमार फिल्म बड़े मियां छोटे मियां में नजर आने वाले हैं। फिल्म की शूटिंग 17 जनवरी से शुरू होने वाली है। इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ भी नजर आने वाले हैं। वेल, आप बताइए आपको ये न्यूज कैसी लगी। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और इसी तरह से खबरों को जानने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।